थार नगरी में मौसम परिवर्तन का दौर निरंतर जारी है। तेज धूल भरी आंधियों के बाद शुक्रवार को हुई बारिश से जहां आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं करीब आधे घंटे तक चली तेज बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सीवरेज की बदहाली की भी पोल इस बरसात ने खोल दी। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के चलते रेलवे स्टेशन से लगाकर जिला कलेक्टर आवास तक सड़कें तालाब बनी नजर आई। मौसम परिवर्तन के बाद से ही बाड़मेर में धूल भरी आंधियों के साथ बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को हुई बारिश ने जहां शहरवासियों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, वहीं शहर के सीवरेज बदहाली की पोल भी शुक्रवार को बारिश के बाद खुलती नजर आई। करीब आधे घंटे चली बारिश से शहर की सड़कें तरबतर नजर आई, वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन से लगातार जिला कलेक्टर आवास तक मुख्य सड़क तालाब बनी नजर आई, जिससे ठेला चालकों को भारी परेशानियों का सामना करने के साथ आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जिला अस्पताल के मुख्य मार्ग पर पानी इकट्ठा हो जाने के कारण यहां आने वाले मरीजों एवं परिजनों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। जिला कलेक्टर आवास के बाहर भी पानी का फैलाव नजर आया। आपको बता दें कि गौरव पथ से लगाकर जिला कलेक्टर आवास तक नगर परिषद द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व सीवरेज की लाइन को वापस बिछाया गया था, लेकिन सीवरेज के पानी की निकासी का उचित प्रबंधन एवं समय पर सफाई न होने के चलते नालों के ओवरफ्लो होने का दौर जारी है और बरसाती दिनों में पानी सड़कों पर फैलने की समस्या से आमजन परेशान होते नजर आ रहे हैं और मामूली बारिश के बाद सीवरेज की बदहाली नगर परिषद की पोल खोलती नजर आती है। गौरतलब है कि बाड़मेर नगर परिषद में पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस का बोर्ड है और सभापति समेत स्थानीय विधायक एवं नगर परिषद के अधिकारी लगातार सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्षों के बाद भी शहर की सीवरेज व्यवस्था बदहाली का शिकार है और हर बारिश में नगर परिषद के दावों की पोल खुलती नजर आती है। आखिरकार शहर की सरकार इस विकट समस्या से आमजन को कब निजात दिलाएगी, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल बारिश के बाद शहर की सड़कें गंदगी से अटी पड़ी है और मुख्य सड़क से गुजरने वाले लोग के हालात नाशाज बने हुए हैं।